हे गाइस, वेलकम टू एडल्ट टेक गुरु। मेरा नाम विवेक है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में आपको मैं कुछ स्पेशल चीज नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन आप जो है थंबनेल और टाइटल से आपको पता चल ही गया है कि आपको मैं क्या चीज बताने वाला हूँ। तो आपके सामने जो अभी स्क्रीनशॉट दिख रहा है, तो ये जो है एक बंदा है जो मेरे चैनल पे जो है कॉमेंट किया था कि आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में किसी भी कॉलेज में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो संपर्क करें। तो मैंने इसे ट्राई किया, संपर्क किया, तो देन आपको क्या चीज यहाँ पे होता है वो सारा कुछ मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूँ। तो चलिए हम पहले आप कॉल रिकॉर्डिंग को सुन लीजिए, देन आप जो है वीडियो के लास्ट में मिलते हैं कि आपको कैसे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपको कैसे ठगा जा रहा है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मेरा बस यही मकसद है कि आप लोग जो है सतर्क हो जाए। मेरा किसी तरह का किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको उसका नाम और जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे मैंने जो है ब्लर कर दिया है, तो आपको इसका नाम और मोबाइल नंबर नहीं दिखेगा। साथ ही मैं जो ये कमेंट था वो मैंने अपने वीडियो से डिलीट कर दिया है। तो आप ये ऑडियो सुनिए, आप जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो मेरे और उसके बीच में जो हुआ है वो सुनिए, देन हम वीडियो के लास्ट में मिलते हैं कि आखिर वो क्या बता रहा है, क्या सब चीज सही है कि नहीं। तो इन सारी चीजों का डिस्कशन हम वीडियो के लास्ट में करते हैं, तो आप इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनिएगा। एक्चुअली मुझे एडमिशन लेना था कोई, मतलब मैंने अभी 12th पास किया है इस बार और एडमिशन चाहिए, तो क्या प्रोसेस, और फैमिली मेरा मतलब बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है कि वो पेमेंट कर पाए, तो क्या है स्टूडेंट के जिसका पैसा नहीं लेगा। बस आपको अगर देखिए रजिस्ट्रेशन लगता है, आप पता कर लीजिएगा किसी भी कॉलेज से, रजिस्ट्रेशन लगता है 3000 रुपया। अगर तीन लड़का रहेंगे तो 2500 रुपये लगेगा, अगर तीन लड़का का एक साथ होगा रजिस्ट्रेशन तो 2500 रुपये लगता है, और अकेले रहेंगे तो 3000 रुपये रजिस्ट्रेशन लगता है, उसके बाद कुछ नहीं लगता है। उसके बाद स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो नीति सरकार का योजना है उसके अंतर्गत आपको 4 लाख तक का खर्चा सब सरकार उठाएगा। हेलो, अच्छा, तो मतलब आप कॉलेज आप ही ढूंढ देंगे या हम जिस कॉलेज में कहेंगे वो कॉलेज में आप एडमिशन करवा देंगे? नेक ग्रेड ए कॉलेज में एडमिशन मिलेगा जो ग्रेड ए, तो हम जो है ना हमारे मतलब भाई जी एक पढ़े थे तो यूनिवर्सिटी जो ए ग्रेड में है उसका नाम हम एक वीडियो देखे थे, एक चैनल है आइडियल टेक कैसा कुछ करके नाम है, उस चैनल पे हम देखे थे, तो कॉलेज लिस्ट उसमें आता है मतलब यूनिवर्सिटी वाला, तो वही ग्रेड ए कॉलेज में होगा उसी में आपका एडमिशन होगा। नहीं तो केवल ऐसे जब बहुत लोग हैं जो फालतू किसी भी कॉलेज में एडमिशन करवा दे रहे हैं और पैसा पास हो जा रहा है सरकार से और बच्चे के पास पहुंच ही नहीं रहा है, फिर झोल झाल हो जा रहा है, इसीलिए तो भैया मैं वो नहीं कह रहा था कि मतलब कॉलेज हमारा हम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि आप ही करवाएंगे कॉलेज चूज। आपको करना क्या है, मतलब कौन सा, मतलब पढ़ाई करना है कौन सा? हम भैया बीटेक करना है हमको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। बीटेक करना मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, पुणे में अच्छा कॉलेज है, पुणे से करवा देते हैं। तो नहीं भैया, हमारे एक भैया जहाँ से गए तो वहाँ टीचर से भी थोड़ा जान पहचान है, तो उस कॉलेज में नहीं होगा क्या? कौन सा कॉलेज है ये? MDU है। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ? हरियाणा में पड़ता है शायद। हरियाणा में कहाँ ग्रेड ए कॉलेज है यार? MDU तो ऐसा कुछ बोला था, एक महर्षि कुछ नाम ऐसा कहा था भैया, उसी मतलब कॉलेज नहीं है यूनिवर्सिटी है उसी में करवाएगा, और यूनिवर्सिटी का नाम भी दिया इस लिस्ट में। ग्रेड ए कॉलेज है? हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज है। अच्छा, तो ठीक है, फिर देखते हैं, अगर ग्रेड ए है तो हो जाएगा, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि बच्चा अब इधर जो है पुणे में अपना 200 रजिस्ट्रेशन पिछले साल हुआ था 200 लड़के का, और 200 लड़के का पूरा पैसा मिल गया, बराबर मिल रहा है, और इस साल हम करवाए हैं कम से कम 50 से 60 लड़के का, और वो लोग का भी बराबर हो गया है। अब दूसरे कॉलेज में क्या होता है, उधर की अगर पैसा नहीं गया बच्चे का तो पढ़ाई बीच में ही छूट जाएगा, क्योंकि कितना फालतू का ही ग्रेड ए कॉलेज हो जाएगा उससे। अभी देखो एक कॉलेज था KSR करके चेन्नई में, अच्छा KSR कॉलेज था करके चेन्नई में, वो ग्रेड ए कॉलेज था, नए ग्रेड ए उसका मतलब अब छीन लिया गया है, नए के ग्रेड का जो उसका दिया गया था तो छीन लिया गया, तो जो जितना बच्चा उसमें एडमिशन जो करवाया होगा तो उसका बच्चा तो पैसा देगा नहीं सरकार, तो क्या करेगा, उसका पढ़ाई छोड़कर आ जाएगा। लेकिन तो भैया एक चीज कि हम इसका वीडियो देखे तो वही भाई का जो चैनल था तो वो कह रहा था कि जिसको मतलब एक बार रुपया पेमेंट हो गया उसको तो सारा पेमेंट मिलेगा, ऐसा कुछ वो बता रहे, मतलब वो गलत बता रहे थे क्या? एक बार में पूरा पैसा नहीं जाता है यार, कितना एक साल का पैसा जाता है, साल 3 साल का होगा कोर्स तो एक साल का जाएगा, फिर अगला साल एक साल का जाएगा, तो अगर कॉलेज से छीन लिया जाता है नए ग्रेड ए का जो उसको दिया जाता है मोहर, अगर वो छीन लिया जाएगा तो पैसा उसी पर रुक जाएगा, और दूसरा साल का पैसा कितना, देखो ना यूट्यूब पर भी डाला है मेरा पैसा नहीं है सेकेंड ईयर का
तो क्या होता है कि कॉलेज कुछ गड़बड़ी कर देता है, बिना डॉक्यूमेंट सब क्लियर किए ही ऐसे इन्हें ए ग्रेड का ले लेता है मोहर, तो फिर उसके बाद कॉलेज से छीन लिया, अगर नहीं होगा उसके बाद डॉक्यूमेंट क्लियर तो छीन लेता है ने ग्रेडे का, तो छीन लेगा तो फिर यहाँ से गवर्नमेंट पैसा ही नहीं देगा। डॉक्यूमेंट में डाला होगा कि मेरा नहीं आया पैसा, मेरा नहीं आया सेकंड ईयर का पैसा नहीं आया। हाँ तो इधर क्या है कि 200 मतलब अपने ग्रुप का लड़का मिलेगा, मतलब 2 साल पिछले साल कराए थे, अभी 50-60 लड़का करवाए हैं क्योंकि कोरोना की वजह से जितना बहुत इस साल कम लड़का गया है ना। अच्छा हाँ तो इस साल 50-60 लड़का का पुणे में मैकेनिकल के लिए, तो पुणे इंजीनियरिंग के लिए तो हब है वहाँ का, किसी से भी पता कर लेना आप, यूट्यूब पर भी सर्च कर लेना, पुणे वहाँ का इंजीनियरिंग के लिए हब है। अभी पॉलिटेक्निक का 3 लड़का कल ही रसीद कटा, आपको व्हाट्सएप चलाते हैं आप? हाँ हाँ व्हाट्सएप चलाते, इसी नंबर से हमारा व्हाट्सएप है। हाँ तो इस पर हम व्हाट्सएप पर भेज देंगे, कल ही कटा है 3 लड़का का, मैकेनिकल से ही कटा है, डिप्लोमा का था वो, पुणे में ही रसीद कटवाए। अरे भैया वो भेजने का जरूरत नहीं है, मतलब विश्वास तो है या बिहार के, हम भी बिहार कितना तो विश्वास कर लेंगे। हाँ नहीं हम भेज देंगे तो विश्वास होता है, कितना लोग मतलब झोलझाल भी करते हैं ना। अगर लड़का है 3 लड़का है तो आपका मतलब 2500 रुपया में ही रजिस्ट्रेशन तीनों का। मतलब कितने, दो दोस्त हमारे हो गए और उसके दो दोस्त, एक 5 लड़के हैं पूरे टोटल। 5 लड़के हैं तो 5 यानी आपका 2200-2300 रुपया लगेगा रजिस्ट्रेशन का। अच्छा एक बंदे का 2200 या पूरे का एक के साथ? अरे भाई एक बंदे का। अच्छा ठीक है, तो कैसे मतलब हम आपको रुपया देंगे? रुपया तो आपको अकाउंट में करना पड़ेगा। इसी नंबर से? नंबर से थोड़ी अकाउंट, अकाउंट नंबर। एक तो पे फोन भी हम भैया चलाते हैं तो इसी नंबर से भी तो हो जाता है, तो पेटीएम कर दीजिए। अच्छा इस नंबर पे पेटीएम कर दे? हाँ इस पर पेटीएम। और क्या क्या मतलब ना, एयरटेल पर कर दीजिए तो वो नंबर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और क्या क्या डॉक्यूमेंट और लगेगा फिर मतलब एडमिशन लेंगे तो लगेगा ना? हाँ हाँ एडमिशन आप व्हाट्सएप पर हम आपको कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए और अपना नंबर, व्हाट्सएप आप ऑनलाइन नहीं है, हम आपको कर रहे हैं अभी। ठीक है भेज दीजिएगा भैया। तो गाइस आप लोगों ने जो कॉल रिकॉर्डिंग सुना उसमें क्या कह रहा है, मैंने एक चीज क्लियर कहा है उसको कि अगर जिस बंदे का एक बार सिक्वेंस पेमेंट चला गया, मतलब सेकंड पेमेंट हो गया या एक बार भी पेमेंट हुआ है, तो क्या उसको सेकंड पेमेंट आएगा? मैंने उसे क्लियरली कहा तो उसने कहा कि उसे नहीं आएगा। तो मैंने पूछा रीजन कि भाई क्यों नहीं आएगा? देखिए पहले मैं जो उससे बात किया हूँ ऐसा बन के गया हूँ कि मुझे कुछ पता नहीं है, साथ ही मैं अपने चैनल का कुछ नाम भी उसको बताया बट उसको नाम क्लियरली याद नहीं है, आई थिंक कि वो इतना उस चीजों को ध्यान नहीं दिया होगा। तो चलिए ये बात की बात है, लेकिन उससे मैंने क्वेश्चन किया कि भाई आप जो है मतलब जिसको एक बार पेमेंट चला गया उसको क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो उसने कहा कि नहीं मिलेगा। और अगर आप लोग अगर पेमेंट ले रहे होंगे तो आपको क्लियरली पता है कि जिस कॉलेज को या जिस बच्चे को एक बार हो गया, कॉलेज का बात नहीं कर रहा हूं मैं, जिस बच्चे को पहला पेमेंट चला गया उसके बाद आने वाले जितना भी पेमेंट है उसको जाएगा, किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। ये चीज आप खुद जानते होंगे अगर आप पेमेंट करते हैं तो उसने इस चीजों को कहा कि नहीं, वो अगर नेक्स्ट से हट जाता है वो कॉलेज और पेमेंट आपका पहला गया तो दूसरा पेमेंट या तीसरा पेमेंट या कोई भी पेमेंट आपके उस कॉलेज में नहीं जाएगा। तो ये चीज पूरा गलत है, आप अगर पेमेंट करते हैं, अगर आप लेते हैं तो ये चीज आप देखे होंगे, ये तो पहला चीज। दूसरा चीज मैंने उसे कहा कि देखिए मुझे जो आप लोन दिलवाइए लेकिन मैं किसी और कॉलेज का या किसी और यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ। तो उसने कहा जी नहीं ऐसा नहीं है, उसके थ्रू जो भी यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन करवाते हैं तो आपको एडमिशन चार्ज आप सुने होंगे कितना है, उतना देना पड़ेगा, देन आपको वो लोन प्रोवाइड करवाएगा। तो मैं मानता हूं कि वो कॉलेज में एडमिशन करवा देगा, मेरा ये मकसद नहीं है उसको किसी तरह का ठेस पहुंचाना, बट आप थोड़ा ये सोचिएगा कि वो एडमिशन किस कॉलेज में करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके बारे में आपको कुछ जानकारी नहीं होगा तो आप कैसे आगे का तैयारी कर पाएंगे। इसलिए मेरा मकसद यही है कि आप इन सारे चीजों से बच के रहेंगे। बाकी आपको किसी तरह का दिक्कत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया का लिंक मिल रहा है, वहां जाके अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिए, आपको 100% उनका सोल्यूशन मिलेगा। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इन सारी चीजों को कमेंट को आप ध्यान ना देंगे, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इन कमेंट के पीछे ना भागे, नहीं तो फिर आप जो है परेशानी, आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बाकी और भी जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा तो वहां भी आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में कहीं आपको कोई दिक्कत होता है
तो आप हमसे एक बार हेल्प जरूर लीजिएगा। आपको किसी तरह का फीस जमा नहीं करना, किसी तरह का कुछ आपको यहाँ पे पेमेंट नहीं लगेगा। मैंने उससे पूछा कि क्या पेमेंट है क्या है नहीं है, तो उसने कहा कि क्लियर कह दिया कि उन्हीं के कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं देन आपको जो है पेमेंट वो करवा देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आप इंडिया के कोई भी कॉलेज में एडमिशन लीजिए, अगर कॉलेज लिस्ट में अगर उसका नाम है तो आपको कोई पेमेंट किसी को रुपया देने की जरूरत नहीं। आपको सारा मैं प्रोसेस आपको वीडियो में बता दिया हूँ, अगर आप नहीं देखे हैं अभी तक तो प्लेलिस्ट को जाके चेक कीजिए, सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है, तो आप मेरे स्टेप को फॉलो कीजिए, आपको आसानी से जो है लोन मिल जाएगा। बाकी चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए थोड़ा सा समय, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको लिए यहाँ पे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का कोई भी अपडेट हो आपके सामने सबसे पहले लेके आ रहा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए थोड़ा सा समय।